हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मास अगेन। दिस इज गौरव कुमार, यू आर वाचिंग एक वाला। सो फ्रेंड्स, आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो बताने वाला अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक प्रोटीन फिश फूड का, जिसका नाम आप लोग कंपनी का नाम सुने ही होंगे। ये अमेजोन में अवेलेबल है और मैं आज इसी का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो जरूर फैमिली एंड फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह अच्छे से कंटेंट ला रहा हूँ। और ये फूड का बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूँ कि ये फिश फूड क्यों इसमें अच्छे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो बैक बॉक्स पैकेजिंग जो कि मेरा अमेजन से आज डिलीवर हुआ है, देख सकते हैं amazon.in। और इसमें थोड़ा एड्रेसेस है और शायद प्राइस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर आपको ये मुझे जो पड़े वो 320 रुपीज़ पड़े हैं, इसके अंदर बिल होगा। तो फटाफट इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या लिखा हुआ, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए, देख सकते फ्रेंड्स, ये वो प्रोटीन ब्रांड का ड्राई ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा मैंने अमेजन से मंगा, और इसका 50 ग्राम का क्वांटिटी है। एक आता है 25 ग्राम का क्वांटिटी जिसका दाम 290 रुपीज़ है, तो आपका बहुत ही लॉसेस हो रहा है उसमें। इसीलिए मैं बताऊंगा कि आपको, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 50 ग्राम मिले जिसका कॉस्ट आपको 320 रुपीज़ पड़ेगा। और मैं थोड़ा इसका स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। इसमें जब प्रोटीन, इसका मेन बात है प्रोटीन। प्रोटीन किसका काम का आता है, जो फिशेज़ का जो स्केल्स आता है उसके अच्छे ग्रोथ होते हैं, जिसका देख सकते हैं इसमें यहाँ पर 40% प्रोटीन है। कैल्शियम जो उसके फिन्स जो अगर टूट जाता है तो वो बहुत ही जल्दी रिपेयर होते हैं, जिसका 3% दिया हुआ है। और फाइबर जिसको डाइजेशन में हेल्प करेगा, मॉइस्चर ताकि आपके फिशेज को, और फैट भी बहुत ज़रूरी है, क्रूड फैट। तो ये, और मैं इसका अमेजन में बहुत सारा मैं इसका रिव्यू देख चुका हूँ, तो मैं एक बार ट्राई किया कि मैं एक बार लाग देखता हूँ कैसे फिश को एक बार प्रोवाइड कर देता हूँ कि कैसे ये फिश को हेल्प करते हैं। तो इसका मैं रिव्यू दूंगा आपको, 1 वीक खिलाने के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा कैसा इसका प्रोडक्ट है। मैं अभी तो आपको बस अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ, मैं इसको रिव्यू भी दूंगा कि कैसा ये काम करता है, कैसा मेरा फिशेज को मेरा फिशेज का ग्रोथ हुआ है। और बेसिकली ये जो फिशेज, ये जो फूड है, ये कार्निवरस फिश के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कार्निवरस फिश दें। और कार्निवरस फिश में क्या, बेबी फिश का मत दें, बड़े बड़े फिश जैसे कि फ्लावर उनका बड़ा साइज हो, या ऑस्कर हो, या फिर एरोवेना हो, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फिश को भी दे सकते हैं, बर्ड एंड रेप्टाइल को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको फिश को प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपके पास बर्ड है और रेप्टाइल है तो भी आप उसे खिला सकते हैं। तो इसको फटाफट मैं खोल लेता हूँ, देखता हूँ कैसा है ये। सकते ये कुछ इस तरह का साइज है इसका, अच्छे साइज का है, आपको ज़रा फोकस कर दिखाता हूँ। करीब 1 to 2 सेंटीमीटर का साइज़ है इसका, और इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें 600+ लार्वाज है, ठीक है। तो इसका मैं तो काउंट करने जा सकूँगा, लग तो रहा 600 होगा ही होगा, ठीक है। और इंग्रेडिएंट में क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ हर्मेटाइल इल्यूसियन BSF लार्वा एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, बस एक ये जेन्युइन फूड है, लार्वा फूड, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डाला हुआ नहीं है। और ये जो फिश का, अगर देख सकता हूँ इसको मैन्युफैक्चरिंग डेट बोल रहा है कि अगर एक्सपायरी डेट है ना, तो ये 12 मंथ तक इसका डेट रहेगा एक्सपायरी डेट। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर आपको है, और यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस जो है 400 रुपीज़ है, तो आप ये दे सकते हैं। और तो कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, बस यहाँ पर कुछ फोटो दिया हुआ, अरवाना बर्ड, बर्ड को भी आप खिला सकते हैं, फ्लावर उनको भी खिला सकते हैं, जितना भी कार्निवरस फिश है उसको खिला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपने फिश को फीड करके दिखाऊंगा कैसे वो बिहेव करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिश के पास ले चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपने टैंक के पास आ चुका हूँ, देख सकते हैं मेरा ये 3 लवली पैरट फिश। कैसा लग रहा है ये फिशेस, कमेंट में जरूर बताएं। और इस फिशेस के लिए एक तो सब्सक्राइब बनता ही बनता है। और तो जैसे कि मैं, मेरा प्रोटीन का फिश फूड है, मैं इस प्रोटीन के फिश फूड को मैं करीब 5 to 10 पीसेस लूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा फिश को ऑलरेडी मैं फीड कर चुका हूँ, उनके टमी फुल है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बता दूँ कैसे ये रिएक्ट करते हैं इसके साथ। फर्स्ट में मैं करूँगा, ये करीब 10 पीसेस मैं लिया हूँ ड्राई लार्वा, और इसको मैं स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक कर लूँगा किसी भी ब्लेड या चाकू के यूज़ से। तो स्मॉल स्मॉल पीस कर लेंगे, क्योंकि अरवाना तो है नहीं जो डायरेक्ट एक ही बार पूरे ले लेंगे उससे, क्योंकि अरवाना का, क्योंकि फिश माउथ तो बहुत बहुत बड़े होते हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा एक छोटे स्मॉल साइज़ कर लूँगा जिससे उन्हें खाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर इन साइज़ बड़े रखूँगा तो वो 3 से 4 बार ट्राई करेंगे खाने के, और अगर वो नहीं खा पाएंगे तो फिर वो खाएंगे ही नहीं, सारा मुझे फेंकना पड़ जाएगा। तो ट्राई करें, देख सकते हैं मैं फटाफट इसे मैंने ब्रेक कर दिया हूँ स्मॉल पीसेस में। अब मैं क्या करूँगा, अपने टैंक में से डालूँगा। मेरे तीनों फिशेस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में तो बहुत ज़्यादा ये लोग एक्टिव होते हैं। तो देखिए
मैं इसे डालता हूँ और ये कैसे बिहेव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड देख सकते हैं मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ और जो बड़े वाले पैरट फिश है मेल और फीमेल दोनों ही खा रहे हैं। छोटे वाले नीचे से ही खा रहे, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, वो डरते बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बॉडी स्ट्रेस में रहने के कारण क्या होता है उसके बॉडी में ब्लैक स्पॉट रहते हैं, फिर भी कभी कभी नहीं रहते, फिर कभी कभी फिर बीच में आ जाते हैं। तो वो मैक्सिमम ड्राई पैलेट से खाता है, तो उसे मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी हुक की वजह से उसे हुक के हिसाब से मैं उसको खिला देता हूँ। अभी वो सिर्फ उसे फीमेल को चेज करने में लगा हुआ है और देख सकते हैं कैसे वो खा रहा है बड़े वाले। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको फिशेज के कलर ग्रो करने में। मैं देख सकते हैं मेरे फिशेज कलर कितने, ये जो कलर जो है मेरा नेचुरली कलर मैं इतना ग्रो रखता हूँ और वाटर हमेशा क्लीन रखे, देख सकते हैं वाटर कितना क्लीन है और कितने सारे एक्टिव है फिशेज। तो आप वरना फिश का टैंक का वाटर जरूर क्लीन रखें, आपके फिश का कलर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।